नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे विंडो 10 के अंदर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का हॉटस्पॉट ऑन करके अदर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका मोबाइल हो गया या आपके दूसरे अदर लैपटॉप्स हो गए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके दूसरे डिवाइस को इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं, उसी प्रकार से हम लोग मोबाइल आपका जो पीसी या लैपटॉप है उसका हॉटस्पॉट ऑन करके अदर डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ये कैसे करते हैं विंडो 10 के अंदर इसकी हम बात करते हैं। दोस्तों, आपको जाना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स ऑप्शन पे जाना है और नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, इससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद में आप जाएंगे मोबाइल हॉटस्पॉट पे, मोबाइल हॉटस्पॉट पे जाके आपको इसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, जैसे हम मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और हमें उसका यूजर नेम और पासवर्ड कनेक्ट करके हम हमारे डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं, उसी प्रकार से जैसे ही आप अपने डिवाइस का वाईफाई ऑन करेंगे, आपको ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड इनपुट करना है और आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, जो भी आप यूज़र नेम रखना चाहें, जो भी पासवर्ड आप इसको रखना चाहें और सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर का हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं और अदर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो फंक्शनलिटी है ये विंडो 10 के अंदर ही आती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हम कैसे हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर और हमारी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।